वेलकम बैक सो वी वर डिस्कसिंग ऑपरेटर्स इन डार्ट लैंग्वेज और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे थे फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वेन वी हैव टू कंपेयर टू डिफरेंट वैल्यूज और टू डिफरेंट एक्सप्रेशनस Uh, अब इसको समझने के लिए आपने इस चीज़ को देखना है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं और हम उन दोनों एक्सप्रेशन को या उन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं तो हम इसमें जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर सो आज का जो फर्स्ट ऑपरेटर जिसको हम देखेंगे वो है इक्वालिटी ऑपरेटर जिसमें हम इज इक्ल टू का साइन यूज़ करेंगे लेकिन हम डबल इक्वल टू लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे उसका हमने नाम रखा फर्स्ट नंबर उसमें हमने एक वैल्यू रखी एक और वेरिएबल लेंगे उसका हम नाम रख लेते हैं सेकेंड नंबर और इसमें भी हम वैल्यू लिख लेते हैं सेवेंटी वन लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंस इसके बाद हम यहाँ पे ये यह करते हैं कि इक्वालिटी ऑपरेटर के थ्रू हम देखते हैं कि क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करने जा रहे हैं स्टेटमेंट की हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि स्टेटमेंट में हम किसी भी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट अगर वो ट्रू हो तो हम उसके अगेंस्ट कुछ आउटपुट या कुछ वर्किंग कर सकते हैं तो इस स्टेटमेंट में हमने कंपेयर किया कि ये जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ भी इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा है और यहाँ भी इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा है बट दोनों जगहों पे ये डिफरेंट बिहेव करेगा यहाँ पे इक्वल टू साइन का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सेवनटी वन असाइन हो रहा है सेकंड नंबर को जबकि यहाँ इक्वल टू का साइन है जो कि हमने इकट्ठा यूज़ किया है डबल इक्वल टू तो ये इक्वलिटी ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर की वैल्यू फर्स्ट नंबर को असाइन नहीं होगी बल्कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की वैल्यूज़ उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको वो कंपेयर करके देखेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हुई तो क्या डिस्प्ले करेगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं तो लेट्स सी अभी आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो हम इसको रन करके देखते हैं जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देखेंगे आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये प्रिंट में ये उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है यानी कि दोनों नंबर इक्वल होते हैं सो लेट्स सी अगर हम यहां पर कर देते हैं सेवनटी 74 करेंगे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों इक्वल हो जाएंगे अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो अब देखें अब जब हमने एग्जीक्यूट किया है तो ये आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है बोथ नंबर्स आर इक्वल इसका मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो चुकी है तो बेसिकली क्या किया उसने कि इन दोनों वेरिएबल्स में जो नंबर्स मौजूद थे उनको कंपेयर करके देखा तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेटर आज के इस टॉपिक का सेकेंड ऑपरेटर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉट इक्वल टू ठीक है नॉट इक्वल टू भी हम अगेन इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं uh, दो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए और इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे एक्सलमेशन मार्क यूज़ करेंगे और उसके साथ हम इज़ इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे अच्छा इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं अब ये दो वे वेरिएबल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं हम ऐसा करते हैं कि एक और इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं और उसमें हम ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर हम चेंज कर देते हैं हम ये करते हैं कि इस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट इक्वल टू यहाँ पर देखें मैंने सिर्फ सिम्बल चेंज किया है हम ये कह रहे हैं कि इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड नंबर अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे बोथ नंबर्स आर या हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स आर नोट इक्वल सही है तो ये उस सूरत में चलेगा जबकि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होंगे तो हम इसको रन करते हैं तो एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में देखें कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि दोनों नंबर इक्वल थे ये वाली तो स्टेटमेंट चल गई अब अब हम इनके नंबर्स दोबारा चेंज करके देखते हैं मैं सेकंड नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ 58 अच्छा अब दोनों नंबर डिफरेंट हो गए ये स्टेटमेंट जब वो चेक करेगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर कि ये बहुत नंबर इक्वल हैं या नहीं तो ये स्टेटमेंट आपको पता है फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर ये यह वाली आउटपुट नहीं आएगी जब ये यह यहाँ पर आके दोबारा चेक करेगा फर्स्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सेकेंड नंबर तो वो जब चेक करेगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल नहीं है ये वाला जो एक्सप्रेशन है या ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी ट्रू उस केस में ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी नंबर्स आर नॉट इक्वल सो लेट्स सी हम इसको रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट चेंज होगी नंबर्स आर नॉट इक्वल क्योंकि इस वक्त जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू है वो वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है आगे चलते हैं इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है वो है लेस देन लेस देन हम किस लिए यूज करते हैं इसके लिए साइन अगेन हम ये सिम्बल यूज करेंगे लेस देन हम कम यूज करेंगे अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या एक एक नंबर को अगर हमने कंपैरिजन में चेक करना हो कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर uh, है या नहीं तो इस केस में अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे ये यह देखेंगे फर्स्ट नंबर इज लेस देन हम ये चेक करेंगे इफ़ फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर देन आपको यहाँ पे ये यह शो करना है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर ठीक है तो अभी फर्स्ट नंबर देखें सेवेंटी है सेकेंड नंबर में क्या वैल्यू स्टोर है फिफ्टी एट तो जब वो यहाँ पे कंपेयर करेगा फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर तो ये फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर ये आउटपुट आपको आप बताएं आप गेस करें कि ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमने इसे एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि आउटपुट डिस्प्ले हुई लेकिन ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं हुई फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर वाली ये उस सूरत में होगी अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर से स्मॉलर होगी सो लेट्स सी यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर की वैल्यू में ये सेवन हम रिमूव करते हैं ये हो गया फोर अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकंड नंबर से स्मॉलर है दोबारा से हम इसको रन करके देखते हैं अब आप देखिएगा कि आउटपुट में हमें यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर प्रिंट में लिखी है वो शो करवा रहा है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर ये उस ये सिर्फ उस सूरत में शो करवाएगा अगर फर्स्ट नंबर की वैल्यू सेकेंड नंबर से स्मॉलर होगी अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करवाएगा तो इस तरह अगर हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है तो भी हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं इसके अलावा हम इसी एग्जाम्पल को आगे थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्थ हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन ग्रेटर देन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ये वाला और इस तरह से हम चेक करेंगे इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर तो हमने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दोबारा से देखें ग्रेटर देन सिंबल हम यूज़ करेंगे दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है अगर ग्रेटर हुआ तो ये आउटपुट में डिस्प्ले करेगा सो लेट सी फर्स्ट नंबर फोर है सेकेंड नंबर फिफ्टी है फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर नहीं है तो फिर हम इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट में ये डिस्प्ले करेगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर नहीं आ, शो कर रहा अच्छा अब हम नंबर चेंज करके देखते हैं अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट नंबर में हम यहाँ पे लिख देते हैं एट एटी फोर तो अब फर्स्ट नंबर में एटी फोर है सेकंड नंबर में फिफ्टी एट अब जब कंपेयर करेगा तो ये स्टेट ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर सो लेट्स सी अब दोबारा से हम इसको आउटपुट में ले जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर तो जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक वो हमें कंपैरिजन करके बता देगा इस तरह से हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का फायदा क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है इसके अलावा अगले ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास लेस देन की ही एक फॉर्म है विथ सम एडिशन इसको हम कहेंगे लेस देन और इक्वल टू एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको लेस देन एंड इक्वल टू नहीं पढ़ना लेस देन और इक्वल टू ठीक है लेस देन और इक्वल टू हम किस तरह से यूज करेंगे फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अभी इधर देखें कि फर्स्ट नंबर अगर तो स्मॉलर है तो भी ये कंडीशन ट्रू होगी और अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर के इक्वल है तो भी ये ट्रू होगी यानी वैल्यू से स्मॉलर हो या उसके इक्वल हो दोनों सूरत में ये कंडीशन ट्रू होगी ठीक है अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इज़ स्मॉलर तो अगर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से स्मॉलर है या इक्वल है तो हम ये कहेंगे हम यहाँ पे कुछ भी और डिस्प्ले कर देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन और इक्वल टू सो लेट्स सी अब हम इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट में देखते हैं कि स्टेटमेंट शो कर रहा है या नहीं तो आउटपुट में उसने स्टेटमेंट शो नहीं की उसकी क्या वजह है फर्स्ट नंबर था 84 क्या 84 फोर सेकेंड नंबर से स्मॉलर है 58 से नहीं क्या 84 58 के इक्वल है बिल्कुल नहीं तो क्योंकि ना तो फर्स्ट नंबर इससे स्मॉलर है ना ही इसके इक्वल है इसलिए ये कंडीशन ही चलेगी अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से आ, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो उस सूरत में भी तो अब हम ये करते हैं कि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करके देखते हैं ये जो फिफ्टी है इसको हम कर देते हैं एटी यानी कि दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दिया अब आप देखें कि अब इसको अब जब रन करेंगे तो अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के स्मॉलर तो नहीं है लेकिन इक्वल है तो यहां पे वो देखें लेस देन और इक्वल टू शो कर रहे हैं इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को कर दूँ फोर उस सूरत में भी अब ये देखें कि ये इक्वल नहीं है लेकिन स्मॉलर है तो ये आउटपुट में देखिएगा लेस देन और इक्वल टू शो करेगा सेम इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर है आ, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ, इधर कंडीशन में भी साइन चेंज कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर और यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू सो लेट्स सी अब इसको हम रन करते हैं कि ये यह यहाँ पे शो करता है या नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू उसने शो नहीं किया क्योंकि फर्स्ट नंबर ना तो उससे ग्रेटर है ना ही इक्वल है अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं अब ऐसा करते हैं फर्स्ट नंबर की यहाँ पर वैल्यू को मैं कर देता हूँ वन अब फर्स्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर हो गई ठीक है अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये यह यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें शो करेगा ये देखें यहाँ पे आउटपुट में चेंजिंग आ गई इसी तरह से अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर कर दूँ वन थर्टी फोर तो फिर आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी है हम रन करके देखते हैं अब यहाँ पे देखिएगा लेस देन और इक्वल टू भी शो कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू भी शो कर रहा है उसकी क्या वजह है उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर ये तो फॉल्स होगी लेकिन इक्वल था इसलिए ये आउटपुट में शो कर रहा है सेम इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है इस वजह से उसने ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट भी शो करवाई है तो इस तरह से ये सिक्स रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को कंपेयर करना होता है दो डिफरेंट एक्सप्रेशन को हमने चेक करना होता है कि आ, हम उसकी बेस पे असल में कोई डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं कुछ वर्किंग करवाना चाह रहे होते हैं या कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं तो उस सूरत में रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इसके नाम से हमें पता चलता है कि हम आ, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के रिलेशन में समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी बेस पर